फ्रेंड्स, मैं हूं महेश काकड़े। क्रॉपफील्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं उसी इंसेक्टिसाइड के बारे में, एक जैबरुलिक एसिड है। रिव्यू करेंगे आज, हाँ अपन रिव्यू बोल सकते हैं, इसका रिव्यू करेंगे। आज की बात करें तो कौन कौन से फसलों में काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है, डोज क्या है, रेट क्या है, प्रोटीन क्या है इसका, तो आज अपन बात करने वाले इसके बारे में। तो प्रोटीन क्या होता है, इसका रेट कौन से कंपनी की, सब बताएंगे आज इस वीडियो में। आप यूज की बात कर ले, यूज की बात कर ले तो कौन कौन से पतलों में काम कर लेता है। ये जैबरुलिक एसिड गन्ना, अंगूर, सोयाबीन, मिर्ची, टमाटर, बाजरी, धान और हाँ इतनी चीज़ों में अच्छे तरीके से काम कर लेता है। और भी पतलों में काम कर लेता है, जैसे कि फूल वर्गीय फसलों में, जितनी भी फूल वर्गीय फसलों में आता है सभी में काम कर लेता है और अच्छे तरीके से 30-40% काम कर लेता है अच्छे तरीके से। और अगर धान, गेहूँ, जवारी इस चीज़ में थोड़ा सा बात करें तो 10% 5-10% काम कर लेता है, 5-10% काम कर लेता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। डोज की बात करें तो इसका डोज 15 लीटर पानी में 35-50 ml स्प्रे करना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट तो ऐसे बहुत कुछ है। इसके बेनिफिट ये है कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसमें एक अमोनिया एसिड है, मैक्रोन्यूट्रंट्स है, इसके वजह से इसमें जो उसकी जो बढ़ने का उम्र है ना बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आप इसको अगर बढ़ने के लिए लेना चाहते हैं तो बढ़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बढ़ने के लिए ऐसे भी होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि हम लेके गए इसको तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपको अगर बढ़ाने के लिए लेके जाना है तो बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर लेता है। जैसे धान में बहुत फास्ट काम करते हैं धान में, और गन्ने में मोटाई और ऊंचाई हाइट अच्छा कर लेता है ये, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है ये दोनों के लिए। अंगूर भी बहुत अच्छे काम कर लेता है अंगूर में भी, एक धान गेहूँ में, इसमें थोड़ा कम रिजल्ट मिलता है इसका। बस बाकी फूल और क्या चीज़ों में, अगर इसमें फूल अच्छे तरीके से लगता है, फूल की संख्या ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत से जगह देखा है मेरे खुद के खेत में गया हूँ, लगा के देखा है इसका। और भी है जैसे कि बेनिफिट में अपन को बात करें तो इसके जो जड़ है ना, जड़ मजबूत करता है बहुत अच्छे तरीके से, जड़ मजबूत करता है, इसके वजह से इसका रिजल्ट अच्छे है। और इससे ज़मीन में ऐसा होता है कुछ झाड़ अपने आप गलने लग जाता है, तो ये उसको थोड़े बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि जड़ मजबूत करता है। और इसकी प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोटीन होता है, इसकी प्रोटीन की बात कर ले तो मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और मैंगनीज होता है। इसके कारण इसके बढ़ने में, फूल की संख्या में, इसमें बढ़ने में बहुत ज़्यादा अपने को प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसके कारण जो बढ़ने के लिए साइज रहता है ना वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाकी फसलों में ऐसे भी है कि 2-3% भी काम कर लेता है, जैसे गेहूँ में तो नहीं भी अगर लगाए तो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इसका कलर की बात करें तो कलर इतने पकड़ में नहीं आता, लेकिन हाइट थोड़ी बहुत ला लेता है, ये भी 5-10% काम कर लेता है। आपको बताया मैंने पहले कि 5-10% काम कर लेता है, उससे ज़्यादा काम नहीं करता है। इसमें इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट अपने को 3-4 दिनों में देखने को मिलता है। ओसी एक सुमिटोमो केमिकल कंपनी का है, ये एक जापानीज कंपनी है, इसकी खोज हुए है 1925 में हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो, मेरे जितने भी वीडियो आपको जल्दी सबसे पहले दिखे, और ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाते जाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।